हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ कला सचगोज। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जानते हैं कि अपने लेसन का प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख रहे हैं मित्रों कि हम लोग जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम में शायद पूछी गई है वो क्वेश्चन होंगे। देखिए तो टेंथ क्लास में जो बाज़ार में आप जानते हैं कि से गाइड बेचने के लिए जो प्रकाशन वाला आते हैं, ठीक है ना, तो प्रकाशन वाले जो आते हैं जो न्यू गोल्डन ऑब्जेक्टिव टेप चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड आंसर मॉडल पेपर ऐसा कुछ करके, तो उससे क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों को। मतलब एक क्वेश्चन करवाऊंगा, मेरे पास ना बहुत सारा 15-20 किताब है, तो इस तरह से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब इतना प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगा ना मित्रों की मतलब निंदवाल भी अगर कोई पूछेगा ना कि इसका क्या होगा रे, तो बता दूंगा कि ये होगा, ठीक है। तो अगर जुड़े नहीं हैं तो सभी विद्यार्थियों को जोड़ ले और सभी विद्यार्थियों को बोल दे कि क्लास स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आप लोग जो है सिस्टम अपने करते रहते हैं और दूसरों को नहीं बोलते। जल्दी से बोलिए मित्रों, अभी बहुत ही कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं, जोड़िए जुड़िए जल्द से जल्द सभी विद्यार्थियों को जोड़ दें, ठीक है। जल्द से जल्द जोड़ें, सभी विद्यार्थियों को क्लास से बुला कर लाओ। बिल्कुल कितना मुफ्त है, मतलब किस शिक्षाएँ दी जाती है, बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, फिर भी अगर ज्वाइन नहीं हो रहे हैं मतलब हम क्या बताएँ। जहाँ मतलब पैसा लगती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब आप लोग जो है ज्वाइन होते हैं ना, ठीक है। यही अगर आपकी इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पढ़ाना काम है। जो भी विद्यार्थी, कम से कम आप लोगों में से कोई एक तो ऐसा विद्यार्थी होगा ना जो हमारी शिक्षाओं को पहचानता होगा, हमारे एजुकेशन को पहचानता होगा, हमारी जो शक्ति है उसको पहचानता होगा, हमारी जो पढ़ाने के तरीके है उसको पहचानता होगा। कोई भी तो ऐसा विद्यार्थी होगा जो हम क्वेश्चन करवा रहे हो बिल्कुल मन मार के कर रहा होगा प्रश्न, एकदम बिल्कुल एकदम आसानी से क्वेश्चन कर रहा होगा। कोई तो ऐसा विद्यार्थी होगा जो पढ़ाई कर रहा होगा, फ्री की कीमत समझता होगा, फ्री सेवा जो दिया जा रहा है उसका कीमत समझता होगा। कोई तो ऐसा विद्यार्थी जरूर होगा मित्र, मुझे पूर्ण यकीन है कि ऐसा विद्यार्थी कोई ना कोई होगा। मैं उसी चीज़ को आस लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ मित्रों, ठीक है ना। चाहे आप लोग जितना भी देखें, 10 गो देखे, 20 गो, 25 गो, 30 गो, 50, 100, 100, 200, 1000, 2000, 4000, 5000, जितना आदमी देखे मित्रों, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको मुद्दा यह है कि जो विद्यार्थी हमारा रेगुलर है, जो हमारा रेगुलर है वो जो है एकदम बिल्कुल एकदम अच्छे ऊँचाई तक पहुँचे और बिहार के बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसके खोपड़ी में छेद करें, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट करेंगे मित्रों, ठीक है ना। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो आप देख सकते हैं मित्रों, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो दिया गया सेंटेंस है उसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच चयन करना है, तो देखिए कौन से इनडायरेक्ट स्पीच है। दे सेड टू अस, वे लोग हम लोगों से बोले कि गुड इवनिंग, मतलब कि गुड इवनिंग एक प्रकार की क्या है मित्रों, विश किया जा रहा है, सिंपल बात है। अगर गुड नाइट रहता तब तो भाई थोड़ा अलग होने की बात होती, लेकिन अब तो विश किया जा रहा था, विश किया रहा था। देखिए ऑप्शन किस में है, ये तो वास्ट है, विश्ड है सही है, वांटेड है गलत है, वेयर है गलत, बी ऑप्शन सही। मतलब थोड़ा सा भी ना आंसर एकदम तुरंत सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। फोन आ गया इसलिए थोड़ा सा रोक देते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना मतलब कि साधारण सा उत्तर था मित्रों, इसका सही उत्तर क्या था, बी ऑप्शन था, है कि ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। मतलब ये लोग हम लोगों क्या किया, विश्ड किया भैया कि गुड इवनिंग, तो फर्स्ट का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन को बना लेते हैं। मतलब क्वेश्चन जो पूछा जाता है कितना आसान पूछा जाता है ना, हम लोग तो कितना बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन कर लिए हैं, हम लोग कौन रहेगा यार, हम लोग हैं भाई हम लोग कौन है डराने वाला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ही सैड आई एम इल टूडे, मतलब उसने कहा कि मैं आज क्या हूँ, बीमार हूँ आज। तो यहाँ पर बनाइए आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, कितना क्वेश्चन आसान है। 2021 के एनुअल एग्जाम पूछे, आप देखिए ना यहाँ आप कि कैसा क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन आप लोगों का क्वेश्चन दिया जा रहा है यार। अच्छा तो आप लोग कहिए कि अरे सर हम तो नहीं बना पाएंगे, देखिए ना, ही सैड कहिएगा, फिर दैट कहिएगा, कैन मैन बी इन्वर्टेड कॉमा के बदले, उसके बाद कहिएगा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही होगा, एम जा कर कहिएगा कि वाज होगा, इल है तो इल कहिएगा, और टुडे के दैट डे कहिएगा, मतलब ये ऑप्शन सही है सर। अरे एक ही बार मैंने पकड़ा गया, अब हम क्या कहें भाई। ये तो सेज करके गलत किया, ए से ही करके गलत किया, व्हील से गलत किया, ए ऑप्शन राइट है। देख रहे हैं ना किस तरह से उत्तर आता है, अरे हम का कहें आपको, मतलब ना एक बार पढ़ा देना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मतलब बबुआ एकदम बात, हम क्या कहें। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा,
है ना, मतलब आप लोग तो बहादुर हैं भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन के आप लोग जवाब दीजिए। मतलब कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग आंसर नहीं दे सकते हैं? हमारे यार क्या बताएं, स्टूडेंट किसका है? मिस्टर सिंह सैड, मिस्टर सिंह ने कहा सी विल डांस, मतलब वह डांस करेगी। तो मिस्टर सिंह ने कहा नहीं चीज़ों को, तो भाई को क्या दिक्कत है, मिस्टर सिंह के कहने दो ना। अरे हम क्या कहें भाई, ओहो क्या आनंद है यार ऐसे क्वेश्चन। कितना साधारण सा प्रश्न है, जवाब तो दीजिए ना, बेहतरीन है यार, बहुत कबूतर। क्या जवाब देते हैं आप भी, क्या या भेजी ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं ना भाई जी कि पास्ट का है तो पास्ट ही रहेंगे, तो प्रेजेंट का ही है भैया। अरे पास्ट होगा, माने सीधा जवाब आता है। कैसा प्रश्न है भैया, कैसा बोर्ड में पूछता है कुछ। और देख रहे हो ना कि 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछी है, और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जड़ से उड़ा रहे हैं भाई। क्या कहूँ, कितना आनंद आ रहा है हम लोगों को। मिस्टर सिंह ने कहा सिविल डांस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर सिंह सैड होगा तो सैड यहाँ पर है भैया। फिर कमांड बट कमर दैट होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज तो सी रहेगा, विल का वुड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट में दे रखा है, सैड वुड हो जाएगा, फिर डांस। मतलब कितना अच्छा से जवाब हम लोग दे पा रहे हैं मित्रों, मतलब हम लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप ही लोग बताइए ना किस तरह से हम लोग बता रहे हैं। आप लोग तो बना देते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन का, मतलब आप लोग नहीं बनाइएगा तो कौन बताएगा भाई जी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और आप लोग बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए मित्रों। ये तीसरा था ना, चौथा का, चौथा नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है देखिए आप लोग जवाब दे। यू आर वेरी इंटेलिजेंट मिंटू, देखो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत तेज हो मिंटू सैड मीरा, मीरा ने मिंटू से कहा सैड मीरा, मीरा ने कहा मिंटू से, क्या कहा भाई जी? मीरा टोल्ड मिंटू, अरे क्या कहें, यहाँ तो इंटरगेटिव नहीं है ना, तो फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ना मित्रों कि दैट किस में है, इसमें है, इसमें अभी टू दे रखा है, गलत है। आप देख सकते हैं मीरा ने मिंटू से कहा था सैड का टोल्ड बदलेगा, सेज नहीं आस्ट नहीं, टोल्ड बदलेगा, यू सैड रहने दिया, सी ऑप्शन सही है। तो मीरा टोल्ड मिंटू दैट, और सी क्योंकि सेक्ट वन पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और मिंटू जो है से क्या है भैया, स्त्रीलिंग है क्या, तो इसलिए हो जाएगा सी, पिरामिड जरकाबाज हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वेरी इंटेलिजेंट यहाँ रहना चाहिए ना, मिंटू सैड मीरा, सेट टू मीरा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, शायद स्ट्रिंग ही होगी मीटू, ठीक है ना। तो वेरी इंटेलिजेंट, कितना अच्छा सी ऑप्शन, बहुत अच्छा जवाब। इस तरह से लाइट जो है से कट गई है। चलिए अब लोग जो है से बेहतरीन तरीके से हम लोग जवाब दे पाएंगे। पाँचवा नंबर क्वेश्चन का जल्द से जल्द अभी 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा है, तो आप देख सकते हैं मित्रों कितना बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत किया। सी सैड, उसने कहा आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। उसने क्या कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, तो जाओ ना, कौन माना किया है तुमको, जाओ घर, मैंने माना तो नहीं किया है। जल्द से आंसर कमेंट कीजिए, तो भाई का तो घर जाल निकाल देते हैं इसको हम। क्या जवाब देते हैं आप भी यार, मैं मेरा तो दिल खुश हो जाता है। अरे ऐसे प्रश्नों का जवाब आप लोग नहीं देंगे तो कैसे कर देंगे भाई जी। आप देखिए ना क्वेश्चन क्या है, से देखिए पहले आप कि क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या जवाब होनी चाहिए यार। सी सैड, तो सी सैड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या है, आई एम गोइंग होम, तो यहाँ पास्ट की है, और यहाँ पे क्या है भैया, आई एम गोइंग होम है, कहने का मतलब है कि असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस है तक सैड का सैड में ही रह जाएगा, चूँकि टू ओकर बाद ऑब्जेक्ट रहता था टोल्ड बदलता, लेकिन सेट के बाद टू ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए सेट का सेट रहेगा, तो सी सेट हो जाएगा। उसके बाद कॉमन वर्ड कॉम बदले दैट लेगा, सी सेट होगा, अगर में है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो बी ऑप्शन सही। कितना झकास से उत्तर देते हैं, तो सी सेट दैट सी वॉज गोइंग होम, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही जो। अब बतलाएंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे कौन सा सही जो। जल्द से जवाब दें,
सिक्स नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों, ठीक है। ड्रेसिंग में चलिए लाइट आ गया, जल्द से जवाब दे मित्रों, क्या स्थिति है भाई जी। ओहो मैं कैसे बताऊं तुझे, हम तो परेशान रहते हैं, यदि हमारे मेरे रहेगा याद करेगा जहां। चलिए जवाब दीजिए जल्द से जल्द मित्रों। लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं छीन लो सिलेक्शन कहानी, उसे कहते हैं तेरी पसीने के हर बूंद को मोती तक चमको। अरे क्या कहे, महिलाओं के लिए तो सब कोई कहता है, मैं पुरुष के लिए बोल रहा हूँ कि एक बाप के दिल में कितनी कष्ट होती है। माँ तो रोती है तो आंसू टपका देते हैं, लेकिन पिताजी की जब कष्ट होती है तो अपने कष्ट को यहाँ समेट लेते हैं मित्रों, यहाँ समेट लेते हैं। बोलते हैं अपने पिता के लिए, उनके लिए बोलता हूँ, तेरे पसीने के हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, तेरे पसीने के हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, तेरे पसीने के हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं बीच में, लेकिन बड़ा जा रहा हूँ यार। He said, where is my suitcase? ठीक है, याद आएगा तो बोलेंगे, तब तक क्वेश्चन बनाओ। He said, where is my suitcase? मतलब उसने कहा कि मेरा सूटकेस कहाँ है। तब देख सकते हैं कि इंटरगेटिव सेंटेंस और कंजक्शन वेयर ही लगेंगे, चूँकि कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के बदले वेयर ही आएगा। चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं कि डब्ल्यूएच वाला शब्द आ जाता है तो कंजक्शन वेयर रहता है, वेयर रहता है, वेयर हो जाएगा। तो ही आस्ट वेयर, वेयर आस्किंग, वेयर आस्किंग ही, वेयर मे आस्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि सैड है तो आस्ट होगा, आस्किंग नहीं होगा, आस्किंग नहीं होगा, मे नहीं होगा। तो ऑप्शन भेज तो अच्छा जवाब है, वेयर हीज सूटकेस वाज, ठीक है ना। माई सूटकेस है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का सर ही, तो हीज सूटकेस एमएजआर का आवाज हो जाएगा। बहुत अच्छा, अब चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तेरे पसीने के हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, ए पिता तू सपने बड़े देख, ए पिता तू सपने बड़े देख, तेरे सपनों को पूरा करने के लिए मौत भी आए तो मौत से भी लड़ जाऊंगा, क्योंकि ये जिंदगी भी तेरी है, जिंदगी भी तेरी। He says to me, I shall help you. वह मुझसे कहता है, I shall help you, मैं तुम्हें मदद करूँगा, सहायता करूँगा। तो आप इसका बतलाइए कि क्या इसका सही जवाब होगा, इसका बतलाइए मित्रों ना, इसका कौन सा सही जवाब होगा, बतलाइए क्या सही जवाब होगा। बतलाइए जल्द से जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए।
यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है से प्रेजेंट का है। रिपोर्टिंग वर्ब किसका है? प्रेजेंट का। ओहो, चलिए कहाँ, यही ना था, प्रेजेंट का रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप देख सकते हैं मित्रों ही सेज टू मी आई शैल हेल्प यू, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो फिर इसका रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो सेज टू का टेल्स से बदल जाएगा। टोल्ड है गलत है, टेल्स को सही है, इज सेइंग गलत है, विल, मतलब ना तुरंत सही जवाब हो जा रहा है यार। तो सेवन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पहले दैट लगेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, उससे ही के साथ विल हो जाएगा, चूँकि वुड नहीं होगा क्योंकि सेज प्रेजेंट में है, तो इसलिए इसका टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो विल का विल रहेगा, हेल्प हेल्प है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, जल्द से जवाब दीजिए। आठवां नंबर क्वेश्चन, रोहित सैड, रोहित ने कहा सी विल गो टू कोलकाता टुमारो, मतलब कि वह कल कोलकाता जाएगी। तो रोहित सैड सी विल गो टू कोलकाता टुमारो, तो आप देख सकते हैं मित्रों कि रोहित ने बोला, ठीक है, रोहित सैड सी विल गो टू कोलकाता टुमारो। तो रोहित सैड दैट होगा यहाँ पे मित्रों, रोहित सैड दैट, और इज सेइंग नहीं होगा, सेज नहीं होगा, सेड दैट, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या इस्तेमाल होगा, दैट हो गया, सेकंड थर्ड पर्सन नो चेंज तो सी हो जाएगा, यहाँ पे विल है तो फिर वुड हो जाएगा, फिर इज नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, वुड गो टू कोलकाता और टुमारो को द नेक्स्ट डे, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल बेहतरीन जवाब। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्द से जवाब देंगे मित्रों, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, कौन सा सही जवाब है जल्द से आंसर कमेंट करें, ठीक है। तो इसका सही जो जवाब है, ही सेड टू मी कैन यू गिव मी योर बुक, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो अगर इंटरगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है इसको आस्ट परिवर्तित करते हैं, तो आस्ट है, आस्ट है, आस्ट है, सैड है, गलत है। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ लगता है, इफ लगता है, इफ लगता है या वेदर लगता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो फिर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। कैन का कूड हो जाएगा, कूड हो जाएगा, लेकिन ऊपर में कैन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, दो गलत हो गया, कूड है, कूड है। उसके बाद भी वर्ब का भी ऑप्शन गिव है, गिव है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही का हीज हो जाएगा, यहाँ पे हिम दे रखा है, गलत है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अच्छा गिव, हाँ हाँ हिम होगा, बहुत अच्छा, यहाँ पे गलती है, बी ए बी डी गलती सी होगा, गिव। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ना होगा हिम, फिर उसके बाद ना होगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी तो माई बुक होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नाइन का सी, बहुत हो, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पे बी दे रखा है, बिल्कुल गलत आंसर दे रखा है, ठीक है ना, जो भी हो। दसवां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे देखिए इसका कौन सा सही जवाब, सी सेड टू मी, ठीक है ना, उसने मुझसे कहा थैंक यू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या मित्रों, सेड टू का थैंक्ड हो जाएगा, सी थैंक्ड, उसने मुझे थैंक्ड किया, ठीक है ना। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, तो मी हो जाएगा, सी थैंक्ड मी, ए हो जाएगा, गलत है, गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, दस का ये ऑप्शन। उसके बाद देखिए ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन, ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्द से जवाब देंगे, कौन सा सही जवाब, जवाब दीजिए जल्द से जल्द। आई टोल्ड ही डीम, आई टोल्ड डीम लिखा, देखा तो नहीं, यहाँ पे हिम होना चाहिए, तो डीम लिखा है, यहाँ पे हिम होना चाहिए ना, ये चाहिए, आई टोल्ड हिम। तो यहाँ पे देख सकते हैं मित्रों कॉमन बटेट कमा के बदले तो क्या लगेगा मित्रों, चूँकि इम्पेरेटिव की बात है तो फिर टू लगेंगे, तो आई सेड हिम, फॉरवर्ड के तो बात है ही नहीं, लाई हो ही नहीं सकते, सही हो सकते ऑप्शन, ठीक है। अगर बात रहती मित्रों इम्पेरेटिव सेंटेंस है मित्रों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोल्ड हिम है, तो यहाँ पे टोल्ड हिम रहना चाहिए, लेकिन सेड दिया तब क्या किया जाए, अगर यहाँ पे आस्ट दिया है तो ठीक है, नोट टू, ये तो गलती है, ऑप्शन बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई आस्ट हिम नोट टू टेल ए लाई, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 5 रुपया दे दे, चलिए जवाब दीजिए। तो इसका जो होगा सब हमें बतावे कि आई आस्क्ड हिम नॉट टू टेल ए लाई,
आई आस्क्ड हिम नॉट टू टेल ए लाई, नॉट टू टेल आई, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है सर देखिए, टू नोट मत लगाइएगा भाई जी, नोट टू होगा, ठीक है ना, टू के बाद नोट नहीं लगेगा, ठीक है ना। बारहवां क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, आई नेवर मेक मिस्टेक्स, मतलब मैं कभी नहीं गलती करता, ही सैड उसने कहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मित्रों कि सही जवाब क्या हो सकता है, ही सैड उसने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होगा, तो ही सैड दैट होगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, उसके बाद नेवर, मेक का क्या हो जाएगा, वी टू मेड हो जाएगा, मिस्टेक्स हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है बारह का। ठीक है ना, ये ऑप्शन। उसके बाद चलिए तेरहवा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तेरहवा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कौन सा सही जवाब है। ठीक है ना, ही सैड उसने कहा, वेयर इज माई कार, मतलब मेरा कार कहाँ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कौन सा सही जवाब है, आप लोग जल्द से जवाब दें। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं मित्रों की इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आस्क लगेगा, सैड का सैड दैट नहीं होगा, आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, टोल्ड नहीं होगा, इंक्वायर्ड भी नहीं होगा, ही आस्क्ड हो जाएगा और फेयर हो जाएंगे, उसके बाद फिर माई कार है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो हीज कार, फिर वाज हो जाएगा, हीज कार देखिए और वाज हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जल्द से, चौदहवा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्द से जवाब देंगे क्या हो जाएगा। सुनीता सैड टू मी, थैंक यू, तो ऐसा तो क्वेश्चन अभी करवाएंगे, जल्द से आंसर कमेंट करें। तो सुनीता आ का हो जाएगा, थैंक्ड सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट सर मी, सुनीता थैंक्ड मी, ये ऑप्शन। चलिए आप लोग जल्दी से जवाब देंगे अगला क्वेश्चन, तो चौदह नंबर क्वेश्चन तक था मित्रों, तो आज की क्लास में चौदह क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मित्रों, और नए विद्यार्थियों को जोड़े, और समय से रात के 9 बजे प्रतिदिन क्लास होती है, इसलिए क्लास में आएँ। ठीक है ना, कोई ज़्यादा इमरजेंसी काम रहती है तभी क्लास बंद होती है, नहीं तो ऐसे का बंद नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।